सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश किया। तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा, कम अज कम उजरत 37,000 रुपए कर दी। मुतवक्के आमदनी 3 खरब 5 अरब 60 करोड़ रुपए होगी। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सेहत के लिए 334 अरब, बल्दियात के लिए 329 अरब रुपए, सोलराइजेशन मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बजट पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक है। वजीर आला सिंध का मुआशी तरक्की में ज़रई शोबे के किरदार का एतराफ। बेहतरीन असातिज़ा की कमी को मयारी तालीम की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा, सिंध हुकूमत ने दुनिया में पहली दफ़ा मुतासरीन को घर बना कर दिए। 1.25 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। 5 से 6 लाख घर जेर तामीर हैं। मनसूबों से 1.60 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी सियासी तौर पर मुतहरिक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें। सदर जरदारी ने भी कहा कि पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश डालना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। मोनिस इलाही के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस का जिमनी चालान जमा। FIA लाहौर ने चालान में फरासत अली चट्ठा के 1 अरब रुपए को बुनियाद बनाया। FIA के मुताबिक आमिर सोहेल ने मोनिस इलाही के फ्रंट मैन के तौर पर काम किया। अदलिया में मुदाखलत से जान छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद का खिताब। कहा, इदारे अदलिया के कामों में दखल अंदाजी में मुलव्वस हैं। इस रविश का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। हम किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार होंगे, ना ही किसी कुर्बानी से दरेख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक, चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल सुप्रीम कोर्ट में तैनात होंगे। पार्लिमानी कमेटी ने जुडिशियल कमीशन की सिफारिशात मंजूर कर ली। पाकिस्तान का बजट IMF से मुजाकरात में मददगार होगा। बैन अल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मोडीज का पाकिस्तान के बजट पर तबसरा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF को खुश करने के लिए शरह नमू का हदफ 3.6% रखा गया। हुकूमत का आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर, भावताओं में तेजी, व्यापारियों और खरीदारों में तकरार। कोई मनपसंद जानवर लेने में कामयाब तो किसी को खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश। कराची के मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। राजनपुर में सफेद बकरों की धूम। लाहौर में ऊंट मरकजे निगाह। ईद के दिनों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने 18 से 22 जून के दौरान बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, गिलगित, KP, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।